विधानसभा एक का मैं बेटा हूँ, स्थान गया, आईसीयू में गया, अस्पताल खुलवा है जो मैंने विकास करके दिखा, तो आज मेरे साथ मेरा पूरा परिवार चल रहा है। धर्म की बात हो, धर्म की जितनी यात्रा जो मैंने कराई, किसी हिंदुस्तान में कोई विधायक ने यात्रा नहीं कराई। मैंने बेटे के रूप में 5 साल लगातार काम करा, मेरी कोई टक्कर नहीं, क्योंकि एक बीआई बेटे का चुनाव और एक नेता का चुनाव, जनता के लिए जो काम बचे हुए वो काम पूरे कराना है मुझे। सब धर्म साथ हमारे, सब धर्म हमारे साथ में, भले कोरोना महामारी हो, तो पूरी दुनिया घर में बैठी हुई थी, पंत ये संजय शुक्ला एक एक घर जाकर अनाज दिया। विकास की बात हो तो विधानसभा में 20 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार के विधायक होने के बावजूद विकास नहीं हुआ है। इंदौर की राजनीति जैसे जैसे गर्माती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टी दल के नेता चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। और इंदौर एक से कांग्रेस प्रत्याशी जो हमारे साथ मौजूद हैं, संजय शुक्ला जी, जो इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से भारी भीड़ के साथ जनता के बीच उतरे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनता से प्यार की उम्मीद कर रहे हैं और इस बार एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इंदौर एक से एक बार फिर से इनकी जीत हो जाए। तो बातचीत करते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि इंदौर एक में किस तरह का रुझान आपको देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, विधानसभा एक का मैं बेटा हूँ, मैंने बेटे के रूप में 5 साल लगातार काम करा, भले कोरोना महामारी हो, उसमें पूरी दुनिया घर में बैठी हुई थी, पंत ये संजय शुक्ला एक एक घर जाकर अनाज दिया, शमशान गया, आईसीयू में गया, अस्पताल खुलवाए, परंतु मरने से नहीं डरा। मेरा बच्चा भी बीमार था, सब कुछ भर्ती होने में जनता की सेवा करता रहा। धर्म की बात हो, धर्म की जितनी यात्रा जो मैंने कराई, इतनी हिंदुस्तान में कोई विधायक ने यात्रा नहीं कराई। विकास की बात हो तो विधानसभा में 20 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार के विधायक होने के बावजूद विकास नहीं हुआ है, और जो मैंने विकास करके दिखाया, तो आज मेरे साथ मेरा पूरा परिवार चल रहा है। मेरे परिवार के रूप में मेरे साथ में आएंगे, और सामने वाले साथ गुंडों की फौज चल रही है। इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश के गुंडे बदमाश यहाँ आके प्रचार कर रहे हैं, और गुंडे बदमाश बोल रहे हैं कि विधायक वो नहीं बनेंगे, विधायक हम बनेंगे। कह रहे हैं, आपका एक बयान आया था कि आपने कहा है कि बेटे के रूप में विकास होना चाहिए। बेटा बन के मैंने हमेशा विकास किया, मेरे माता पिता के रूप में, ये मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे भतीजे, मेरे मामा मामी, सब लोग यही पे मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। कितनी टक्कर मान रहे हैं इस बार कैलाश विजयवर्गीय से? मेरी कोई टक्कर नहीं, क्योंकि एक बीआई बेटे का चुनाव और एक नेता का चुनाव है, जो हेलीकॉप्टर वाले नेता है उनका चुनाव है। उन्होंने बोला है कि मैं किसी से वोट मांगने नहीं जाऊँगा, इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं घर घर वोट मांगने नहीं जाऊँगा। क्या विजन तैयार किया जनता के बीच फिर से आने के? जनता के लिए जो काम बचे हुए हैं वो काम पूरे कराना है मुझे। सबसे पहले नर्मदा लाइन की व्यवस्था करानी है, उसके अलावा ड्रेनेज की व्यवस्था करानी है, स्कूल बनवाने हैं, बगीचे बनवाने हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो अनबन नजर आती है, इलेक्शन आते हैं तो नेता मुंह फेरते नजर आते हैं, दिग्विजय सिंह पार्टी में चुनाव प्रचार के लिए नहीं आते हैं। देखिए, हमारे नेता सभी लोग प्रचार प्रसार हमने सबको अलग अलग संभाग एरिया बांट दिए, अपने अपने नेता सब जगह काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि अगर आप जीत जाते हैं तो यहाँ पर बजरंग दल को बैन करने में अपनी आवाज़ बुलंद करें? क्यों करेंगे, सब धर्म साथ हमारे, सब धर्म हमारे साथ में। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से लगातार चुनाव प्रचार जारी है, देखा सकते हो कि हाथ जोड़कर इंदौर एक से यहां पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और जनता के बीच लगातार फूल मालाओं के साथ ये नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जनता के बीच घर घर में जा करके और जनता से प्रेम की उम्मीद कर रहे हैं, एक बार फिर से इंदौर एक से विधायक बनने की तैयारी में लगे हुए हैं संजय शुक्ला जी। इस वक्त देख सकते हैं कि कैसे इनका स्वागत किया जा रहा है, जगह जगह घर घर में जा रहे हैं और तिलक करके इनका स्वागत किया जा रहा है। और इस बार जनता के मन में क्या रुझान है ये तो हम आप सभी को बताते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो चुनावी प्रचार दिखाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला जी, जो बेटी ने इनका तिलक करती हुई नजर आ रही हैं, उनको मिठाई खिलाते हुए संजय शुक्ला जी नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मस्ती मजाक के साथ साथ ये चुनावी प्रचार का दौर लगातार जारी है। और बातचीत करके जैसा कि आप सभी को बताया कि सभी धर्मों के बारे में वो एक कहने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बजरंग दल को बैन करने के लिए उनका कोई अलग से मोटिव नहीं है। इसके अलावा चुनावी प्रचार कितना तेज इनका होता जा रहा है ये आप सभी को दिखाएंगे। इसी के साथ और भी प्रत्याशी अलग विधानसभाओं में उतरे हैं और अलग अलग पार्टियों से हैं, उनके बारे में भी आप सभी को बताएंगे और उनका चुनावी प्रचार दिखाएंगे। तो इस वक्त की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से ये चुनावी प्रचार लगातार जारी है। संजय शुक्ला का विधानसभा में जब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो इस दौरान उनका स्वागत किया जा रहा है, हाथ मिलाकर, हाथ जोड़कर जनता लगातार इन्हें प्रेम और आशीर्वाद देती हुई नजर आ रही है। अब किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे इसके बारे में तो हमने चर्चाएं कर ही ली हैं, तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे साथ मौजूद थे इंदौर एक विधानसभा सीट से अभी वर्तमान में जो विधायक हैं संजय शुक्ला, वो दोबारा इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और चुनाव प्रचार के लिए लगातार जनता के बीच एक एक करके बने हुए हैं। ऐसी और कवरेज देख
देखने के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15 कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ में अंजलि राठौर।